हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपटेक हिंदी चैनल में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कमाल की टेक न्यूज, तो चलिए ये वीडियो देख लेते हैं। और आप लोग आए हैं मेरे चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं जब भी वीडियो रोजाना नई डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला टेक न्यूज का अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से, अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई भी लिंक शेयर करता है और उस लिंक को आप क्लिक कर लेते तो क्या होगा, आपकी विंडो में ही व्हाट्सएप के अंदर विंडो एक बन जाएगा, वहाँ पे वीडियो चालू हो जाएगा। पहले होता क्या था, लिंक शेयर करते थे कोई भी और हम उस लिंक को क्लिक करते तो हमें यूट्यूब का अगर लिंक रहता तो यूट्यूब पे भेज देता था, या फिर कोई ब्राउजर का लिंक होता था तो ब्राउजर पे हमें सेंड कर देता था। लेकिन अब ये अपडेट के बाद आपको क्या होगा, एक विंडो मिलेगा, उसमें ही वीडियो शुरू हो जाएगा, वहीं पर ही चालू हो जाएगा और आप अपनी चैटिंग स्क्रॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। दोस्तों जो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है पिक्सल लाइट की तरफ से, जो कि इसका इमेज हो गया है लीक, अब इनकी इन्फॉर्मेशन और ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशन डिटेल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे शाओमी के सनग्लासेस की तरफ से, क्योंकि शाओमी ने सनग्लासेस लॉन्च कर दिया है, दो सनग्लासेस इंडिया में। अब ये इसका टारगेट जो रखा गया है 1200 ऑर्डर, अगर 1200 ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही ये इंडिया में लाएगा सनग्लासेस को। तो पहला जो सनग्लासेस है वो 699 रुपये का रखा गया है और दूसरा सनग्लासेस है 899 रुपये का रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है हॉनर बैंड 4 की तरफ से, जो कि ये हॉनर बैंड जो 4 है ये फिटनेस के लिए अच्छा खासा है और ये इसमें जो है कलर डिस्प्ले इस तरीके के कुछ बहुत से स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये किस तरीके का रहता है देखते हैं ये, और इसकी जो प्राइस है वो 2599 रुपये रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो गूगल मैप की तरफ से, अगर आप रहते हैं दिल्ली में या फिर जाते हैं दिल्ली में घूमने और आप गूगल मैप को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक मिल जाएगा मोड रिक्शा का, जो कि रिक्शा बोर्ड का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप उसे ओपन करते हैं और आपको कहीं जाना है ट्रैवलिंग के लिए तो आप वहाँ से उसे भी बुला के वहाँ से आप अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा खासा है, आपने देखा है कि गूगल मैप भी नया नया अपडेट लाता रहता है, इसके पहले जो ऑफलाइन वाला अपडेट लाया था अब इस तरीके का कुछ आपको अपडेट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो फ्लेक्सिबल हीटिंग की तरफ से है, जो कि फ्लेक्सिबल हीटिंग पैच है, अगर आप अपनी जैकेट में लगा लेते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट है कि आपको अगर आप अगर ठंडी में जाते हैं तो वो एलिमेंट इस तरीके के गर्म करेगा, आपका जो ठंड है वो आने नहीं देगा अंदर, और इसमें बैटरी सप्लाई भी दिया गया है। तो ये भी आपको पता है यार, जो टेक जो है वो बहुत ही आगे बढ़ गया है, नए नए गैजेट लाते रहता, तो ये गैजेट भी अच्छा खासा होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो रियलमी U1 की तरफ से है, जो कि ये 5 दिसंबर को मोबाइल आया था इंडिया में और 20 लाख स्मार्टफोन बिक चुके थे। अब जो दूसरा सेलिंग है वो 17 दिसंबर को हो गया था 3GB वेरिएंट के साथ, और अब जो नेक्स्ट जो उसकी जो डेट है वो आई है 19 दिसंबर, जो कि 12 बजे जो आपको देखने को मिल जाएगा 4GB वेरिएंट के साथ ये मोबाइल। तो देखते हैं रियलमी का U1 जो 19 दिसंबर को किस तरीके से बिकता है, कैसा रहता है, देखने को आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ टेक न्यूज था जो कि मैंने आज आपको बता दिया हूँ, और ये जो मेरा पहला एपिसोड है टेक न्यूज का, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया वीडियो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।